वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन, जिसके लिए हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1/4 किलो चिकन, डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, एक टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसी तरह से मिक्स करेंगे। आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। गरम मसाले में हमने लिया हुआ है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 5-6 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 1 छोटा टुकड़ा बादबान फूल, 3 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 3 छोटी दालचीनी के टुकड़े, 4 ड्राई मिर्च सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ते। इसे हम भून के पीस लेंगे। इसे हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। इसे हमने हल्का हल्का रोस्ट किया, अब इसे हम पीस लेंगे। इसे हमने इस तरह से पीस लिया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 बड़ी साइज़ की चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे, 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, जो कि 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब इसे हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, चम्मच हमारे साइज का है, 1 टीस्पून हल्दी। गैस हमारी हाई फ्लेम पे थी, अब इसे हम लो फ्लेम पे लेंगे और 5 मिनट तक भूनेंगे। पाँच मिनट हमने लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें हम 4 मीडियम टमाटर कट करके ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। अब इसे हम कवर करके टमाटर गलने तक रख देंगे। गैस को हमने मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम पे लिया है, स्लो पे रख दिया है और टमाटर गलने तक हम इसे पकाएंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसे हमने 10 मिनट स्लो फ्लेम पे रख दिया था। अब इसमें हम 100 ग्राम दही ऐड करेंगे। दही को इस तरह से हम फेंट लेंगे और ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच गरम मसाला, जो कि पीस के रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। भला हम नेक्स्ट टाइम के लिए रख देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे लेंगे और कवर करके और 10 मिनट रख देंगे। दस मिनट हो चुके हैं और चिकन का पानी, हमारा दही डाला हुआ था उसका पानी जो था वो भी ड्राई हो चुका है।
अब गैस को हम हाई फ्लेम पे लेंगे। इसमें हम एक टीस्पून कस्तूरी मेथी इस तरह से मैश करके डालेंगे, मिक्स करेंगे। और चार टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने घर की क्रीम यूज़ की हुई है, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस हमारी हाई फ्लेम पे है। अब इसमें जो बचा हुआ पानी है वो भी ड्राई करेंगे। चिकन कढ़ाई हमारी रेडी है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, दो हरी मिर्च इस तरह से कट करके, और अदरक इस तरह से बारीक कट करके ऐड करेंगे। थोड़ा पुदीना ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दो मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे। उसके बाद में हम गैस को ऑफ करेंगे। दो मिनट हो चुका है, गैस को हम अब ऑफ करेंगे। कढ़ाई चिकन हमारा रेडी है। कढ़ाई चिकन हमारा रेडी है। अगर आपको हमारे कढ़ाई चिकन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।